वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप सभी बहुत बहुत शानदार है। सेकंड का वेट करेंगे, सुबह मैं प्रॉपर तरीके से लाइव हो जाऊं। फिर आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को जरूर डिस्कस करूंगा, है ना। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, आई होप सभी बेहतर हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। बहुत बढ़िया। ओके, सो यस वी आर लाइव नाउ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सारे बहुत बढ़िया होंगे। और आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे होंगे लर्निंग फ्रॉम टॉपर्स। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि बिजनेस लॉ जैसे सब्जेक्ट में कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो आउट ऑफ 56 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकता है, सुनने में बहुत ही अलग लेवल की बात है, बट ऐसा हो रखा है। और वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू, है ना। स्लॉट के बच्चे ऐसा मस्ती तरीके से अपने प्रेजेंट लगा रहे हैं, वेरी वेल डन। अपने प्रेजेंट भी लगा दीजिए। जो जिन बच्चों को ऐसा है कि अभी प्रेजेंट नहीं लग रखी, मैं उनको बता रहा हूँ, है ना। अपने प्रेजेंट बच्चे फटाफट से लगा दो। ऑडियो वीडियो सारा ओके रिपोर्ट है ना, जल्दी से बता दूँ। ऑडियो वीडियो सारा ओके रिपोर्ट है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो बहुत अच्छी खबर। मान लो अगर है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत अभी फ़िलहाल के लिए। ओके रिपोर्ट है। हाउ आर यू सर? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके, चलो चलो, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो लाइव चैट मुझे जरा ऑफ करने दीजिए पहले। आप सी फाउंडेशन क्लियर कर लेगा, ये अपने आप में अच्छी खबर है ना, शानदार खबर है। चलिए जी, तो बात करेंगे यार सी फाउंडेशन बिजनेस लॉ में कि किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए आपके कॉपी लिखने के लिए। और हाँ, 700 से ज़्यादा बच्चे लाइव सेशन में अवेलेबल है, बट सबने अपनी प्रेजेंट भी नहीं लगा रखी। अरे नालायक हूँ। अच्छा, 800 से ज़्यादा बच्चे अवेलेबल हैं, लाइक के थ्रू अपनी प्रेजेंट फटाफट से लगा देंगे। और आइए बात करेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जो एक्चुअल में कैसा होता है कि हम जब ये हुआ था, जब मैंने अकाउंट की कॉपी आपको दी तो मेजॉरिटी ने मुझे ये कह दिया, सर उस अटेम्प्ट में पेपर ईजी आ गया था। इस बार भी है, एक बार करके देखते हैं, है ना। तो हम बात कर रहे होंगे, आज फिलहाल हम बात कर रहे हैं बिजनेस लॉ की, ठीक है जी। आइए साथ में नोट करिएगा, बिजनेस लॉ के पेपर की ऑब्वियस सी बात है, ये है आपका पेपर नंबर 2। और पेपर नंबर 2 की बात करें तो अगेन वेटेज 100 मार्क्स का है। सर इसमें कितने स्कोर कर सकते हैं हम? मैक्सिमम जितना तुमसे हो सके। सर क्या किसी बच्चे ने हाईएस्ट स्कोर कर रखा है? हाँ जी, अभी तक की जो स्कोरिंग है वो अप टू 90 है, और CTC क्लासेस के पास इनके रिजल्ट्स अवेलेबल है जो ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रखे हैं। आप चाहें तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। क्रॉस चेक क्यों करने को बोलता हूँ? थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ, नंबर बच्चे पा रहे हैं तो तुम भी पा सकते हो, ठीक है जी। आते हैं अगले पॉइंट पर। सर बिजनेस लॉ के पेपर की जब भी हम बात करते हैं तो जो यहाँ का पेपर है, ध्यान से देखें, चीज़ों को लिख लें, और मैं आपको एज अ प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, है ना। लाइव सेशन में 900 से ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं, बट प्रेजेंट अभी 800 कुछ बच्चों ने लगाई थ्रू लाइक्स, है ना। अपने प्रेजेंट बच्चे लगा दो फटाफट से। पेपर यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, साथ में नोट करते रहिएगा, कैटेगरी ए एंड बी। सर इसमें हो क्या रहा होता है, आइए वो भी चेक करते हैं फटाफट से। कैटेगरी ए जो आपकी है बिजनेस लॉ की, तो आज अभी फिलहाल मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा बिजनेस लॉ के बारे में। पेपर आता है यहाँ पर 60 मार्क्स का। कैटेगरी बी उसी पेपर में है BCR की, है ना। BCR की बात करें तो वेटेज है 40 मार्क्स का। आप इसको शॉर्ट हैंड में इंग्लिश कह सकते हैं। इस तरीके से आपका पेपर बन रहा है 100 मार्क्स के करीब। 60 मार्क्स के पेपर की बात कर रहा हूँ, मैं साथ में ये भी बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ 60 56 प्लस मार्क्स बच्चे ने स्कोर कर रखे हैं, बट वो मार्क्स दिखाने से पहले वहां से क्या लर्निंग मिलती है ये सब जानने से पहले लेट मी नो इन द लाइव चैट प्लीज, आर यू रियली एक्साइटेड? बिकॉज हमेशा बोला है कि एक्साइटमेंट इंथुजियाज्म अगर टॉप नॉच लेवल पे होगा तो समझने का मजा आएगा, सीखने में लर्निंग में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, है ना। जल्दी से बताओ सारे बच्चे एक्साइटेड हैं, शुरू करूं? जल्दी जल्दी बोलें। ऑल ओके, बहुत बढ़िया। 932 स्टूडेंट लाइव हैं इस वक्त, 2 जन नाराज चल रहे हैं। देखो ये नाराजगी लेके कहाँ जाओगे, पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ एग्जाम टाइम में मैं बहुत याद आऊँगा तुम्हें, है ना। कि सर ये बोल रहे थे, सर ने बोला ऐसे कर लो, लेकिन वही 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 सिचुएशन है। सर मस्त लग रहे हो, बहुत अच्छे, यही सुनने के लिए तुम्हें आया हूँ, मेरे को ये अच्छा लगता है। नालायक पढ़ लो, है ना,
चलो जी, एक्साइटमेंट इंथुजियाज्म, बच्चा कहता है यो। ठीक है साहब, शुरुआत करूँ आगे, सारे खुश। ओके, सी फाउंडेशन मतलब CTC क्लास, यार यही वो लाइन है जिसके लिए मैं लगा रहता हूँ, है ना। चलो जी आइए शुरुआत करते हैं, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। सेशन में 1000 से ज़्यादा बच्चे आ जाने चाहिए, बहुत इजी वे में 980 प्लस दिख रहे हैं मुझे लाइव सेशन में, वेरी वेल डन। लेकिन पता है क्या, ये 2000 बच्चे मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप देख लेना, जब मैं DRS दंगल विजन सीरीज दे रहा हूँगा तो 3000, 4000, 5000 बच्चे लाइव सेशन में रहेंगे, बट ये अभी नहीं है, उस टाइम रहेंगे तो फिर वो तकलीफ होगी उनको। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स मुझे आपको दिखाना है, कृपया करके बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो बताता जा रहा हूँ उस पर फोकस्ड रहिएगा, है ना, ऐसा ना हो कि कुछ भी सुनते रहें, जो जो पॉइंट बताऊँ कृपया करके बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, ये जो इमेज क्वालिटी आप देख रहे हैं, है ना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये इमेज क्वालिटी ICAI के वेबसाइट के पेपर पे है, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं कि सर आपने ऐसा क्यों कर दिया, इसमें कुछ और लेवल का लेते तो मज़ा आता, नहीं ले सकते थे सर, बिकॉज वेबसाइट पे यही कलर अवेलेबल था। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, मेक श्योर कि आप उसको बहुत ध्यान से देखें, सुनें और समझें। सबसे पहली बात, यहाँ देखिए मैंने एक पेपर लिया हुआ है। सर पेपर क्यों लिया है? ICAI का पेपर इसलिए पेपर लिया है, पहले मैं आपको पेपर दिखा पाऊँ सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि यार पेपर में लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है। बिकॉज जब मैंने कल अकाउंट का पेपर लिया तो लोगों के यहाँ पे दर्द हुआ, है ना, उनको पता चला यार ICAI का लेवल ऐसा भी हो सकता है, और मेरा पर्पस बहुत क्लियर था, लाइक तुम कहते हो मोटिवेशन की जरूरत है, मेरा मोटिव बड़ा क्लियर था कि मैं तुम्हें वो पेपर दिखा सकूँ जो एग्जामिनेशन में जाके कलेजे में दर्द हो अभी हो जाए, सो दैट मौका रहेगा प्रिपेयर कर सकोगे। आओ जरा देखते हैं, साफ शब्दों में लिखा है क्वेश्चन सेक्शन ए, क्वेश्चन इन सेक्शन ए, सेक्शन ए जो कि मैंने बात करी बिजनेस लॉ की होगी, टू बी आंसर्ड इन द मीडियम ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट, मीडियम की बात करें हिंदी या फिर इंग्लिश, एज जो आपने मीडियम ऑप्ट करा होगा। सेक्शन बी की बात करें, आप हिंदी इंग्लिश मीडियम को फर्क नहीं पड़ता, दोनों को एक ही में लिखना होगा। आगे आंसर टू बोथ, सेक्शन ए बी दोनों की बात कर रहे हैं, बोथ सेक्शन इन रिटन इन द सेम आंसर बुक, दैट डजंट मीन कि जो एक कॉपी दी गई उसी में सारा आंसर लिख दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो आपको कॉपी दिखाऊंगा वहां पे बच्चे ने +3 मतलब एक कॉपी तो उसके पास है ही है, उसने 3 या 4 कॉपी और ले रखी है, ठीक है, तो मेन कॉपी के साथ साथ 3 कॉपी और ले रखी है उसने। अच्छा जी आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो सेक्शन ए की बात करते हैं, 60 मार्क्स का है, ऑब्वियस सी बात है, पहला पॉइंट ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, तुम्हें सब पता है फिर भी क्यों बता रहा हूं, तुम रिलेट तो एक बार कर पाओ कि यार पेपर में होने क्या वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, आंसर एनी शब्दों पर ध्यान दें, एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चन, एज यू नो जैसे हमने बात करी थी, बहुत क्लियर कट मामला होना चाहिए कि अगर हम सबसे पहला पॉइंट देखना चाहें तो सबसे पहला पॉइंट दिमाग में आएगा वो क्या, आइए लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट नोट करिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 6, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, रिमेनिंग 5 में से एनी 4, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसका शानदार आंसर बताने वाले हैं। ओके, यस 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 यस, ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन, सभी को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, है ना, ये बोर्ड लगवाने का यही तो फ़ायदा है, क्वेश्चन रीड कर लो और मैं लाइव चैट ऑन कर रहा हूँ, मुझे इसका आंसर आप लोगों से चाहिए होगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना, जल्दी बताना क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर चाहिए। चलिए जी लाइव चैट को ऑन कर दिया जाए सो दैट आप आंसर कर सकें, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और लाइव चैट मैंने ऑन कर दिया है, आंसर करिए फटाफट से इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में लास्ट में बताना है, नाउ मिस्टर छोटेलाल वॉन्ट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट द परचेजर एंड गेट अ सुटेबल रिड्रेस, डिस्कस द अबव इन लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड डिसाइड मिस्टर छोटेलाल प्लान ऑफ एक्शन, मिस्टर छोटेलाल का प्लान ऑफ एक्शन बताना है। चलो जी ये पहला क्वेश्चन था जो आप देख पा रहे हो, मेजॉरिटी लिख रही है चिनया वर्सेस रमैया, कंसिडरेशन, क्या बात है क्या बात है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सेक्शन कौन सा बच्चे, सेक्शन में लिख रहे हैं बच्चे, वेरी वेल डन, परफेक्ट आंसर है कि चिनया वर्सेस रमैया होगा, बट अभी जिसे आपने फिगर आउट कर लिया ये अपने आप में कमाल की बात है। ओके बहुत अच्छे, कॉन्फिडेंट रनिंग विद लैंड, परफेक्ट है, लाइव चैट मुझे ऑफ करने दो,
अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे आपने आंसर मस्सा फिगर आउट करा है ना, एक बार इसके सोल्यूशन पर भी चलते हैं, सोल्यूशन पे भी चलते हैं, चिंता ना करें। आइए साहब सोल्यूशन पे दौड़ते हैं फटाफट से कि एक्चुअल में सोल्यूशन जिस बच्चे ने लिखा है उसने लिखा कैसे, है ना। कृपया करके ध्यान से देखें जरा, सोल्यूशन आपके सामने है, फोकस रहिएगा, ठीक है। अगेन इमेज क्वालिटी जो है वो वैसे ही है सर, जैसे ICIC लेवल प्रोवाइड हो रखा है उसके अकॉर्डिंग, मेरा कोई रोल नहीं, मेरा रोल बस इतना है कि मैं आपको ये दिखा सकूं यार ऐसे चीज़ें हो रखी हैं, ठीक है जी। आइए तो आंसर नंबर वन, जो क्वेश्चन नंबर वन है, लिखने का तरीका, मैंने कई बार आपसे बात कही है कि भैया जब आप आंसर लिख रहे हो मेक श्योर कि आप उसको यहाँ पर भी लिखो, कि कौन से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर भी लिखो, एग्जामिनर को इतना हाईलाइट होना चाहिए बच्चे ने ये आंसर लिख रखा है, नंबर ऐसे धड़ाव से देके चला जाए। आओ देखते हैं कि आप इन्होंने आंसर लिखा कैसे। सबसे पहले प्रोविजन लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 2D, आप इसमें कुछ पॉइंट्स में हाईलाइट करना चाहूँगा, कॉपी पेन लेके बैठना, चीज़ों को नोट करना, मेरा पर्पस सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर दिखा के सोल्यूशन दिखाना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एग्जामिनेशन में लिखते वक्त क्या ध्यान रखना है, टॉपर से आप सीख क्या सकते हो, ठीक है। सेक्शन जब इसने लिखा तो इसने सेक्शन को ब्रैकेट में डाला, ठीक है, आगे डेफिनेशन वगैरह दी, अच्छी बात है, ओके। इसके बाद इसने क्या करा है उस पॉइंट को भी चेक कर लेंगे हम लोग। सेक्शन लिखने के बाद जो अगला पॉइंट है, इमेज क्वालिटी बहुत ही ब्लर है इनकी, क्या कर सकते हैं, बट हम लोग है ना, हम लोग फिर भी अपना काम तो करेंगे, ओके। इसके बाद इसने क्या करा, इस पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान दो, चिनैया वर्सेज रमैया, जब इसने केस लॉ लिखा तो एक्सप्लेनेशन पे नहीं गया, जिससे कई बार बच्चे बोलते हैं सर केस लॉ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या क्यों करना है, जो क्वेश्चन की नीड है हमें वो सेटिस्फाई करना है, ना कि कुछ भी कर रहे हैं, है ना, केस लॉ रेफर कर दिया, देन आफ्टर एनालिसिस को भी ब्रेकेट में डाला है। सर इस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्रोविजन, ठीक है जी, प्रोविजन पहला पॉइंट आ गया, प्रोविजन के बाद एनालिसिस दूसरा पॉइंट आ गया, कि एनालिसिस भी कर रखा है बच्चे ने, एनालिसिस करने के बाद एनालिसिस में हुआ क्या, एनालिसिस में जो मैंने आपको बता रखा है प्रोविजन, मैंने आपको कैसे बोल रखा था, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो, हमने बात करी थी सबसे पहले आप लिखेंगे प्रोविजन, है ना, पहले पॉइंट पर, सेकेंड पॉइंट पर क्या लिखते हैं आप लोग, फैक्ट ऑफ द केस, तो जो फैक्ट ऑफ द केस है बेसिकली वही एनालिसिस है, ठीक है। और तीसरे पॉइंट पर हमने बात करी थी कंक्लूजन की, है ना जी, प्रोविजन फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन, तो उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बच्चे ने लिख रखा है, और आप देखो एनालिसिस, इसके बाद चलेंगे कंक्लूजन पार्ट पे, और ये रहा ऐसा कंक्लूजन, और आप देखो कंक्लूजन, कई बार आपको लगता है ना सर कितना लिखना है, ढेर सारा लिख दिया तो ढेर सारा नंबर मिल जाएगा, लॉजिक ढेर सारा नहीं है, लॉजिक जो रिक्वायर्ड है वो लिखा कि नहीं, देयरफॉर अब देखो जो कितनी लाइन यूज करी इस बच्चे ने, बच्चा कंक्लूजन लिख रहा है, चार लाइन में जा रहा है, आठ लाइन में जा रहा है, कहता है कि ज्यादा लिखेंगे ज्यादा नंबर मिलेगा। आओ जरा देखो कंक्लूजन, देयरफॉर मिस्टर छोटेलाल कैन कैरी आउट फार्मिंग ऑन द लैंड, वो काम कर सकते हैं, दैट्स इट, इतनी सी बात है, है ना। तो आइए लाइव चैट ऑन करते हैं, पहले मुझे बता दीजिए सबको इतना पॉइंट समझ आ गया है। देखो बोर्ड तो 4K है बट इमेज की क्वालिटी 4K नहीं, तो क्या कर सकते हैं, बट स्टिल जो मेन पर्पज वो जस्टिफाई करूंगा आज। लाइव चैट ऑन फटाफट से बताइए, लिखना कितना है ये पता चल रहा है कि नहीं, हवा में चीजें तो नहीं है, ये आइडिया लग गया, कितना लिखते हैं, नंबर पाने की रिक्वायरमेंट कितने ज्यादा मार्क्स के लिए है, है ना। 1100 प्लस स्टूडेंट ने अपनी प्रेजेंट लगा दी है, बहुत बढ़िया। कंक्लूजन का बात समझ में आ गया, अरे कंक्लूजन का मतलब क्या है, जजमेंट। अगर आप सोचो कोई जज है वो अपनी जजमेंट सुना रहा है, कहानी बता रहा है कि देखो बेटा इसमें ऐसे करना चाहिए था, इसमें ये हो जाना चाहिए था, है ना, पका हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा पेन का कल डार्क कर दें, अभी कर देते हैं, ये तो अपने कंट्रोल में है। विकास जी आए हैं बता रहे हैं सर कैमरा क्वालिटी नॉट गुड, ठीक है जी, है ना, शुरू में बता दिया चाचा इमेज में मसला हो रखा है, कल की कमिटी पोसा धन्यवाद, ओके चलिए आपका आंसर इससे कहीं छोटा है, तकलीफ की बात है ना, ठीक है जी। मनीषा चलो, तो अभी आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया, आज का सेशन बहुत लंबा नहीं है बट जितने पॉइंट्स हैं बहुत रिक्वायर्ड होंगे। इस पॉइंट पर आते हैं जरा ध्यान दीजिए, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि पेन के कलर के कोई इशू आएगा आप लोग को, ठीक है जी। तो 100 नंबर की हम लोग बात कर रहे थे और हमने बात करी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 6 क्वेश्चन टोटल आते हैं सर। 6 क्वेश्चन में कृपया करके ध्यान से सुने, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका है कंपलसरी, है ना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं कि सर ये वाला छोड़ दें,
तो चलेगा क्या? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, इनमें से एनी फोर जो बात करी गई है वो एनी फोर की है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको। अगर आप सोच पाओ इसको तो आपको अटेम्प्ट करने हैं 12 × 5, मतलब 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, 60 मार्क्स, और हर 5 क्वेश्चन करने, हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 12 मार्क्स का होगा। बात बहुत छोटी है, हर क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन कंपलसरी हो रहा है। आइए जरा आगे बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा था, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ जाते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2, कई बार बच्चों की शिकायत होती है सर वो उस अटेम्प्ट में पेपर बहुत ईजी आ गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा है। 4 नंबर के लिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन है और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन अब ये है। पूरी तरीके से क्वेश्चन दिख रहा है ना। लाइव चैट ऑन करने का वक्त आ गया। क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से रीड कर लो। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कौन से पॉइंट को हम ऐसा हिट करने वाले हैं। क्वेश्चन अच्छे से देख लो जरा, है ना, फिर मैं लाइव चैट ऑन करता हूँ आपके लिए। ओके, लाइव चैट ऑन कर दिया जाए। आइए जनाब लाइव चैट को करते हैं ऑन। सो यस, लाइव चैट ऑन कर दिया गया है। जल्दी से बता दीजिए ये किस टॉपिक का पार्ट है, टॉपिक बता दिए फटाफट से। ओके, बताइए साहब, फटाफट से बताएं टॉपिक कौन सा है, टॉपिक बता दीजिए। लाइव चैट ऑन कर दिया गया ना? हाँ ऑन ही है, लाइव चैट ऑन। यस हाँ जी, टॉपिक इंडोर मैनेजमेंट। अरे यार बच्चे, ब्लर का जो कंसर्न है वो ब्लर मेरे एंड से नहीं है, वो इमेज की क्वालिटी ही ऐसी है, है ना। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करूँगा तो ये इमेज ब्लर हो रही है। ये जो दरअसल PDF है ना, और ये ICI की वेबसाइट से उठा रखा है, बोर्ड 4K है, इमेज पता नहीं कौन सी की में है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये उसका एक्सेप्शन है बच्चे। सेक्शन 399 की बात करी जाएगी और ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शनल केस है। ठीक है जी, नो ब्लर, परफेक्ट। हाँ यार देख लो एक बार। ओके बढ़िया जी। बच्चे रेजोल्यूशन बढ़ा लो अपने एंड से प्लीज़, अगर ऐसा कुछ भी कंसर्न लग रहा है तो, है ना, क्योंकि मेजॉरिटी को परफेक्ट लग रहा है। अब एक दो लोग को हो सकता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही हो, है ना। आइए चेक करते हैं कि एक्चुअल में इसके सोल्यूशन में क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। क्वेश्चन के पार्ट को देखें तो अगेन क्वेश्चन आपके पास कंपनीज एक्ट 2013 से लिया गया है। रुको यार, तो मैं ब्लैक ले लेता हूँ, है ना, कंसर्न क्यों रखना। कंपनीज एक्ट 2013 से लिया गया है। कुछ छोटे छोटे पार्ट लिखे गए हैं बट स्टिल मैं सोल्यूशन पे जाऊँगा और आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में सोल्यूशन क्या डिस्कस कर रहा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन 1 का भी पार्ट, और सुनो काम की बात क्या है, मेरा मेन पर्पस इस पूरे सेशन में ये होगा कि तुम ये फिगर आउट कर लो कि लिखते कैसे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं यहाँ भी ब्लैक लूंगा तो कैसे चलेगा, आइए रेड कर लेते हैं सो आप समझ पाओ, है ना। यहाँ भी लिख रहा है बच्चा, यहाँ पर भी लिख रहा है, इसको कृपया करके ध्यान रखें। जब आप आंसर फ्रेमिंग कर रहे हो तो आपको भी दोनों लेवल पे लिखना है। क्यों? एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि बच्चा बड़ा स्मार्ट है और ये तो पक्का CTC वाला है, है ना, ऐसा। आइए बढ़ते आगे। प्रोविजन लिखा बच्चे ने, फिर क्या लिखा, एज पर सेक्शन 399 ब्रैकेट में डाला, बट दैट डजंट मीन कि यही आंसर है, पूरा बिना पढ़े जज नहीं करना है। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट, और ध्यान दो यहाँ पर इसने इसको भी अंडरलाइन कर रखा है। मेन पर्पस क्या है, आप ये समझो कि जो भी आंसर हमें फ्रेमिंग करनी है उसमें जो पॉइंट हमें ऐसा लगे कि यार इसको अंडरलाइन करना चाहिए वो अंडरलाइन किए जाएंगे। इधर देखिए नॉलेज ऑफ बोथ को भी अंडरलाइन कर रखा है, दिख रहा है सभी को ना, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे लेकिन पैरा चेंज किया इसने, फिर क्या लिखा, बट कंडीशन डाली, और हाँ ये भी देखते आ रहा मार्क्स कैसे दिए गए हैं, 2 मार्क्स। अगर 4 नंबर क्वेश्चन है तो नंबर कैसे मिल रहे हैं इस पर फोकस रखना, ठीक है। 2 नंबर ये लिखने के मिले हैं, बट द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन टू द एबव रूल। यार देखो इसको भी इसने अंडरलाइन कर रहा है, अगर आप फोकस कर पा रहे होंगे, ये अंडरलाइन किया है भाई इसने, एक्सेप्शन टू द एबव रूल अकॉर्डिंग टू विच द, अगर कुछ कट है सिंपल कट कर रखा है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मे नॉट हैव नॉलेज अबाउट द इंटरनल, ये पॉइंट, हालांकि इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते थे। ठीक है जी, और आते हैं
कंक्लूजन पार्ट पर, यहां देखिए जरा, अगर वैलिड था तो उसको भी बच्चे ने अंडरलाइन कर रखा है। मेरा सोल पर्पस क्या है कि आप ये समझो कि जो आप आंसर फ्रेम कर रहे हो एटलीस्ट उसमें जो की एक्सपेक्ट है। कई बार मैंने बोला है, अभी लिख देते हैं, आप भी साथ में नोट करिए जरा, आंसर लिखते वक्त जो की एक्सपेक्ट है, देखो सब इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता, बट जो की एक्सपेक्ट है शुड बी अंडरलाइन, है ना, अंडरलाइन जरूर करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि की एक्सपेक्ट को अंडरलाइन करा जाए, कुछ भी नहीं करना है, जो की एक्सपेक्ट लेते हैं अंडरलाइन मारो उसको। आगे बढ़ जाते हैं। ओके, एनालिसिस में या फैक्ट ऑफ द, जो क्वेश्चन का फैक्ट होगा वो आप लिख सकते हो, कुछ अलग नहीं करना पड़ता। कंक्लूजन के पार्ट पर चलते हैं। ये ध्यान दीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन था, बच्चे को 4 नंबर पूरे मिले और कंक्लूजन के पार्ट पे आके 2 नंबर दिया गया है। ऊपर जो उसने प्रोविजन लिखा, एनालिसिस किया, उसके 2 नंबर अलग, कंक्लूजन के 2 नंबर अलग, ठीक है। अब कई बार बच्चा बोलता है कि सर हमको स्टेप मार्किंग मिलेगी क्या, अभी वो भी दिखाऊंगा, इस बच्चे को भी मिली है, चिंता ना करो, है ना। कंक्लूजन में एक वर्ड लिया गया है, देयरफॉर, अब आपको ये पिक कर लेना है भाई, ये लेना है अपने को, है ना। द कंटेंशन ऑफ द साउंड सिंडिकेट लिमिटेड इज नॉट कन्वर्ट एंड दे हैव टू पे बैक द लोन, ये कंक्लूजन का पार्ट है। और अगेन मैं बोल रहा हूं, आप चाहे पहले क्वेश्चन का कंक्लूजन देखो, दूसरे का कंक्लूजन देखो, टू द पॉइंट बात करनी। अगर आप एग्जामिनर को घुमाने की कोशिश करोगे कंक्लूजन में भी कुछ भी लिख रहे हो, फिर मार्क्स कटने की उम्मीद नहीं, कन्फर्म कटेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी कर लिया हमने, सी क्वेश्चन देखिए, एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इंप्लाइड वारंटी एज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, डायरेक्ट क्वेश्चन था 4 नंबर, इस पर कोई डिस्कशन का पार्ट बनता नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। और बच्चे ने कैसे लिखा है मैं आपको वो दिखाता हूँ। कई बार बच्चे पूछते हैं सर हम इमेज बना सकते हैं क्या, जैसे आप चार्ट बना के पढ़ाते हो, आप पूछते हो ना, कुछ लोगों का कंसर्न होता है, और मैं इस कंसर्न को एड्रेस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये जेन्यून है कि मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ, आप एग्जाम में बना सकते हो कि नहीं, देखना जरा, है ना। इधर देखो, तो क्वेश्चन था इम्प्लाइड वारंटी के बारे में, द वेरियस इम्प्लाइड वारंटीज आर, इसके बाद क्या करा बच्चे ने, बढ़िया सी लाइन खींची, दिख रहा सभी को, 1 2 3 4। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, आपको इमेज में क्लियर नहीं होगा बिकॉज इनका जो PDF है इसकी इमेज क्वालिटी बहुत डिसेंट नहीं है। ये जो ब्रेकेट बनाया है बच्चे ने ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पेंसिल से बनाया गया है साहब, ठीक है, क्योंकि आपका ये भी कंसर्न होता है सर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो उसका आंसर भी आपको यहाँ मिल जाएगा कि जो भी इमेज आप बना रहे हो, जो भी इमेज प्रेजेंटेशन हो रहा है, सब पेंसिल से कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। ओके जी, आई होप यहाँ तक क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख दिया, ये कट नहीं है, ये चेकिंग हो रखी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और इसके बाद हाँ सुनिए, अगर ये 4 नंबर आपको पाने हैं तो पहले टाइप लिखिए, और इसके बाद क्या करा ध्यान से देखिए, टाइप नंबर 1 यहाँ लिख रखा है, टाइप नंबर 1 लिखा और ब्रेकेट में डाला। कई बार आप बोलते हैं सर, बच्चे क्या करते हैं, आपकी क्लास 12 से हैबिट पड़ी, हेडिंग बनाई, मैं आप वाली हेडिंग, आप वाला तरीका बता रहा हूँ, हेडिंग बनाई, ऐसे अंडरलाइन कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा, ब्रैकेट में डालो, प्रेजेंटेशन ज़्यादा क्लियर होगी। और यहाँ ध्यान दो, 1 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन था ना, जब तुम पूछते हो ना सर नंबर कैसे मिलते, देखते जाओ, पहला पॉइंट लिखा, एक्सप्लेनेशन बहुत शॉर्ट में किया, 1 नंबर मिल गए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते चलिएगा, दूसरा पॉइंट लिखा, 1 नंबर मिल गए, हेड पड़ा, एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में, तीसरा पॉइंट लिखा, 1 नंबर मिल गए। आई होप आप समझ पा रहे हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते कैसे है ना। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट लिखा और अगेन फोर्थ पॉइंट पर भी 1 नंबर दिए गए विद एक्सप्लेनेशन। आइए जी लाइव चैट ऑन करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन था, इसने 4 पॉइंट लिखे। कई बार बच्चा बोलता है सर 4 नंबर क्वेश्चन कितने लिख दें, 5 लिख दें, 6 लिख दें। कई लोग बताते हैं जितने नंबर क्वेश्चन है उससे 1.5 गुना ज़्यादा लिख दो, मजाक चल रहा है, मतलब कुछ भी बोल दे रहा है ना, कि 1.5 गुना ज़्यादा लिख दो नंबर तुम्हें भर के मिलेंगे। तो यहाँ से क्या सीख रहे हैं, आइए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, लर्निंग सर, लर्निंग क्या है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 पॉइंट्स प्लस इमेज प्रेजेंटेशन, कृपया करके ध्यान दें, मैं लिख रहा हूँ आप भी नोट करें। 4 नंबर के क्वेश्चन जवाब बोलते हैं ना सर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, इमेज प्रेजेंटेशन हुई है, 4 पॉइंट लिखे गए हैं और ध्यान क्या रखा गया है, अंडरलाइन किया गया है, प्लस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है ना, ये नहीं कि पन्ना भर रहे हैं, कह रहा हम चीरा इतना पन्ना भरे, एग्जामिनर परेशान हुए, वो परेशान हो नंबर काट देगा वो, है ना, तुम्हें एग्जामिनर काम आसान कर रहा है, ये दिमाग में रख के चलना। इतना खाली खाली लिखा है इसने, नहीं खाली खाली नहीं है, इसने वो लिखा जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड था,
है ना? ओके, या ऊपर वाले कमाल कर दिया जिन्होंने। हाँ जी, उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं लाइव आ चुका हूँगा वापस से। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ ओके, सेकंड का वेट करेंगे, सोचा एक दोस्त सभी लोग वापस से लाइव आ जाए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ आज की सेशन को, है ना। बहुत अच्छे भले माहौल में चल रहे थे हम लोग, और अचानक से लाइट ने कमाल दिखाया। और यार ये 450 वॉट लेके चलता है, और इसका लाइट का कंसर्न है, मैं क्या कर लूँ अभी, देखते हैं फिलहाल। चलिए ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए जनाब, पेपर देखें अपनी जगह पर है। हाँ जी, पेपर अपनी जगह पर है। क्वेश्चन 1C पे थे हम लोग। यस यस यस। अच्छा जी ओके, लाइव चैट ऑन करते हैं। एक बार जल्दी से बता दो, सारा सब ओके रिपोर्ट है, हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं ना? ऑडियो वीडियो सारा ओके रिपोर्ट है क्या? जल्दी बोल दीजिए, अगर है तो हम आगे शुरू करें फिर। ठीक है जी, जल्दी से बताइए जरा तो। लाइव चैट ऑन कर दिया है। हाँ कर दिया है, कर दिया है। यस यस। आहा, कहाँ 1,000 से ज़्यादा बच्चे लाइव सेशन में थे अभी। चलो चलो वापस आ रहे हैं सभी, है ना, अच्छी खबर है। हाँ जी हाँ जी, फटाफट से बताएं। एक्चुअली बीच में यार ब्रेक डाउन हो गया सेशन, क्या कर सकते हैं, अचानक से ऐसे, है ना। बट कोई ना, वापस से वी आर बैक। ओके वेलकम बैक सर। चलिए। हाँ, एक सज्जन लिख रहे हैं सर, लाइट सही कर लीजिए प्लीज, बहुत नालायक हो, है ना। मतलब सेंस क्या, घर से बाहर छोड़ के आया, सोना मोना के पास छोड़ के आया, 450 वाट का ये, है ना, इधर ये उधर वो, क्या क्या बोलूं, इधर ये भाई आइडिया है तकरीबन कुछ नहीं तो 1200 वॉट का कंजम्पशन है, कौन सा इन्वर्टर लोड ले लेगा भाई। लेकिन वेट करो किसी बात करते हैं यार, वो भी अपन कर देंगे, सब्र रखो। लाइट ठीक कर लिए प्लीज, हद दो रखी, तेजस्वी लोग। हाँ हाँ कह सकते हैं इन लोग को। चलो लाइव चैट ऑफ करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इनको लग रहा है हमने टीवी लगा रखी है यहाँ पे ना, ऐसे ऐसे खींच देंगे, 100 वाट का है, क्या बोले। चलो लाइट वालों कर लो करा कार्य तुमसे जितनी हो सके, ऐसा वाला। ओके चलो जनाब, बैक टू बैक वापस आ रहे, अच्छी है खबर, है ना, क्या कर सकते हैं भाई, 1 सेकंड का टाइम दे जरा तो। ओके हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओपन कर ले, सेकंड का वेट करते हैं और फिर शुरू करते हैं सेशन को यार, क्योंकि बैक टू बैक 2 बार जा चुके हैं, हालांकि कहीं से भी सही नहीं है, बट ओके चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन ओवर हमने कंप्लीट कर लिए, जहां पर दो हमको मिले हैं केस स्टडी या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मिला है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट पर, और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एक बार में आप लगा लोगे, ऐसा इसमें कुछ ना है जो आपको देख के लिए यार ये बहुत टफ जैसा है। साइलेंस, है ना, मेर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, भाई साहब चुप्पी फ्रॉड। 7 नंबर टॉपिक कौन सा है, जरा ध्यान दो इन पर, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्टेड एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब आप बोलते हैं ना सर कैसे करेंगे क्वेश्चन, ऐसे करेंगे यार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, LLP का एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट ध्यान से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन जिस अटेम्प्ट में आया था उस अटेम्प्ट में मेजॉरिटी इसको भी करने में तकलीफ में चली गई। क्वेश्चन में करना है क्या, LLP इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। 5 नंबर के लिए था, ठीक है, 7, 5, 12। लाइव चैट राउंड करते हैं, मुझे पहले वाले का नहीं सेकंड वाले का चाहिए, कि सेकंड वाले पर अगर आप आंसर फ्रेम कर रहे हो तो एग्जैक्टली क्या लिखोगे आप, है ना। लाइव चैट ऑन कर रहा हूँ, बताओ फटाफट से, मुझे इस पॉइंट पर बात करनी है,
सेकंड के बी का अगर आप आंसर लिखेंगे, दो पॉइंट बताइए कि क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आप इसके लिए अगर आप आंसर फ्रेमिंग करने बैठे तो। साक्षी कलरे सोरा मोरा मस्त से एंजॉय करो ना, बहुत बढ़िया। आयुष क्या हो गया, सोरा मोरा सेंस वापस दो ना, अरे सही है यार तुम लोग का। चलो जी लाइव चैट ऑन है, फटाफट से बता दीजिए कि अगर आपने इस क्वेश्चन को आंसर को फ्रेम करना तो आप कैसे करेंगे, पता तो चले। बच्चा कहता सर इस तरीके से कर रहे होंगे, वही आपने लिख देना है बस, है ना। चलो जल्दी से बताओ, अगर सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट आप फ्रेम कर रहे हो LLP एंड फ्लैक्सीबिलिटी, एक्चुअली DG चल रहा था और वो ऑटो कट लेता है हर 1 से 2 मिनट के अंदर में, इसलिए प्रॉब्लम है। फीचर्स ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप करेंगे, नहीं जी लिमिटेड लाइबिलिटी, अरे यही तो प्रॉब्लम है ही थी बच्चों को भी। लिमिटेड लाइबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाएगा अलॉन्ग विथ फीचर्स एंड पार्टनरशिप को एक्सप्लेन किया जाएगा। पार्टनरशिप, अरे भाई LLP में एक तो पार्ट है कंपनी का और दूसरा पार्ट है पार्टनरशिप का, इन दोनों के फीचर्स के बारे में बात करी जाएगी, ठीक है जी। और यार ये क्वेश्चन आपको उसमें दिया है फीचर्स ऑफ LLP, तो ऐसा पन्ने पलटो, ICA के मॉड्यूल में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। हाइब्रिड बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, यस कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए साहब लाइव चैट को वापस ऑफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 की शक्ल देखो जरा, 3 में ए में दो पार्ट हैं, ठीक है जी, 3 में ए में दो पार्ट है। अच्छा हाँ, इस बच्चे ने क्या लिखा है वो भी तो पता लगना चाहिए, एक सेकंड का टाइम दो भाई, इस बच्चे का आंसर भी देखना पड़ेगा ना। ओके क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो चुका था, 1 का सी भी हो चुका था, जाते जाओ जाने जाना, वापस लौट के मत आना। ओके कहाँ गए भाई तुम, हाँ जी यस, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट। अब जब इस बच्चे क्वेश्चन का आंसर के लिखने का तरीका देखो, पैटर्न कितना सिंपल है। 2 का ए एज पर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870, ये तो 2 का ए लिख रखा है इसने, मुझे 2 का बी दिखाना है ना आपको। हाँ बट जो पॉइंट आप अगर नोटिस करना चाहें, अगर आप नोटिस करें, 7 नंबर कैसे मिला इस बच्चे को, पहले पॉइंट एक्सप्लेनेशन के थ्रू मिल गया, ठीक है इस पॉइंट पर ध्यान देना। 1 नंबर यहाँ पर कौन से सेक्शन में, जब आप बोलते हैं ना सर सेक्शन लिखें कि ना लिखें, कई बार आपका क्वेश्चन होता है क्योंकि आपको कुछ चतुर चालाक लोग ये समझाते हैं बेटा तुम्हें सेक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं, काहे 12th का पेपर दे रहे हैं, मतलब आप ये वो ऐसी बात हो गई कि लॉ का पेपर लिखने जा रहे हैं हम, लॉ में सेक्शन प्रोविजन केसेस सिटीज घर छोड़ के जाएंगे, क्यों लिख दोगे तो गलत नंबर आ जाएगा। अरे तो तैयार करके जाओ ना यार, सेक्शन की बात कर ली यहाँ पर, यहाँ पर 1 नंबर यहाँ से आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है इट इज़ अ फ्रॉड इन सर्टन केसेस, कुछ केस बताए गए हैं कि कौन कौन से केस में फ्रॉड हो सकता है, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1 ध्यान देते चलिएगा, 1 नंबर मिल गए यहाँ पर, ठीक है। नंबर देखते हुए नंबर कैसे में ध्यान दोगे, पॉइंट नंबर बी 1 नंबर मिल गए, सी 1 नंबर मिल गए, डी 1 नंबर मिल गए हैं, साइलेंट इट सेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच वहाँ पर भी 2 नंबर, और 2 नंबर क्यों मिले हैं उसका रीज़न भी देख लीजिए कि 1 नंबर ना हो के 2 नंबर क्यों मिला है। जब आप ये बोलते हैं ना, मैं कई बार आपको बोलता हूँ बिन्स लॉ का आंसर लिखते हुए मेक श्योर कि अगर वहाँ पर वेटेज 5 नंबर से ऊपर जा रहा है, कृपया करके ध्यान से सुने, अगर क्वेश्चन का वेटेज 5 मार्क्स से ऊपर है आप लिख लीजिए, तो आफ्टर एक्सप्लेनेशन जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो तो करनी करनी है, आफ्टर एक्सप्लेनेशन अगर आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपके मार्क्स पाने की जो प्रोबेबिलिटी है आप उसे बढ़ा दोगे। और इस बच्चे ने इतना कुछ बेहतर किया है उसके बावजूद अगर आप नोटिस करें तो मार्क्स कितने मिले हैं, 6 out of 7, बात समझ आ रही, बेहतर लिखा है, कमी कहीं नहीं है, बट फिर भी सर कमी करी कहाँ इसने, इसको 6 नंबर क्यों मिले, 2 नंबर यहाँ मिल रहे हैं, 6 नंबर क्यों आए हैं, आइए वो भी कंसिडर कर ले, 7 में 7 नंबर क्यों नहीं मिले, है ना, पता तो चले कि 7 में 7 नंबर क्यों नहीं आए। आइए देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट था ये, हाँ जी 1 नंबर यहाँ सेक्शन के में आ गया था इनका, और जो सर्टन केसेस की बात करी है कोई अंडरलाइन नहीं कि कौन से केस बताने जा रहे हैं। और हाँ अगर मैं आपको बोलूँ इस पॉइंट पर 7 out of 7 लेने हैं तो क्या करना चाहिए था, अगर क्वेश्चन 7 मार्क्स का वेटेज रख रहा है तो यार ये बताओ, इसके पहले हमने बात करी थी 2 लेवल पे, एक हमने कहा कि इमेज का प्रेजेंटेशन डाल दो, क्या होता इससे सर इमेज का प्रेजेंटेशन पड़ जाता तो एक पेज पर ही एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाता कि इतने पॉइंट्स हैं इसमें,
क्लियर। और सही वाली बात बताओ तो ये जो एक नंबर है ना, कहाँ गया भाई ये वाला एक नंबर, ये कन्वर्ट होके अपने आप टू हो जाता, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जाता। और एक नंबर और किस चीज़ पर दे एग्जामिनर, आपको भी सोचना, अगर आप एग्जामिनर हो तो आपने एक नंबर इसको सेक्शन लिखने के दे दिए, उसके बाद जो भी कुछ इसने लिखा भाई, पहले पॉइंट पर ए, पॉइंट नंबर वन पर, पॉइंट नंबर वन पर ए पॉइंट इसने लिया है, दिख रहा है, तो वहाँ पे एक नंबर दिए इसने, वो एक नंबर जो कटा पॉइंट नंबर बी पे वन नंबर, पॉइंट नंबर सी पे वन, पॉइंट नंबर डी पे वन, और सेकंड पॉइंट जब आया है, सेकंड पॉइंट जब आया तो दो के दो नंबर पूरे दे दिए। अब ये अगर एक नंबर पा सकता था तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक ही ऑप्शन था, और वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इमेज बनाना। लाइव चैट ऑन कर रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए ये पॉइंट सबको समझ आ गया। अगर 7 5 मार्क्स ऊपर का क्वेश्चन है, आपके माइंड में बहुत इमेज क्लियर होनी चाहिए। पहला क्या है सर, इमेज बननी ही बननी है, उसमें डाउट नहीं रखना है, ठीक है जी। इमेज साथ में जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन हम देंगे, ब्रैकेट में डालेंगे, की एक्सपेक्ट को अंडरलाइन करेंगे, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर 5 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन है तो हम एक जेन्यून एग्जाम्पल कोड ज़रूर करेंगे, हवा में आंसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है जी। जल्दी बताएं, पार्थ लिखता है लाइट वालों की लंका लगानी पड़ेगी, चिंता मत करो यार, मैंने ये नई जगह ले रखी है, बदल देंगे इस, ऐसा कुछ होगा तो, है ना। क्लास में डिस्टरबेंस नहीं रखूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ अपने एंड से, ठीक है। ओके जी, फैबलस, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया, अब समझ में आया। अरे चलो अच्छी बात है, आइए लाइव चैट को ऑफ करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए मेन पर्पज़ इस सेशन का एक, आप इसे लर्निंग ले पाओ कि टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं तो आपने कैसे लिखना है, ठीक है जी। आइए बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। ओके, तो थर्ड का ये देख लीजिए, थर्ड का ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। और सुनो, अगर इस बार लाइट अगर ट्रिप होती है तो वेट मत करना, सेशन को समअप कर दूंगा, क्योंकि मेन पर्पज़ मैं आपको बता चुका हूँ, मैं अपने एंड से नहीं भागूंगा, लेकिन आपको इरिटेट नहीं करना, मेरा मेन पर्पज़ होगा। व्हाट इज द प्रोसेस रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर ऑफ द फर्म एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और दो नंबर बच्चा 5 नंबर की तैयारी कर रहा है, 6 नंबर की तैयारी कर रहा है, दो नंबर में कितना कंटेंट जाना चाहिए पढ़ाना ही नहीं है, तकलीफ होगी। और इसी साथ ऑप्शनल जो क्वेश्चन आया वो भी अगर देखोगे तो पार्टनरशिप एक्ट का ही है, वेटेज 2 नंबर है, ठीक है। बी देखिए, बी क्वेश्चन हमारे पास अगेन पार्टनरशिप एक्ट का है, तुम्हें एक बात समझनी चाहिए तुम जितने अभी तक आईसीआई ने पेपर लिए हैं, जितने समझ लो जितने अटेम्प्ट हुए हैं, उसका क्वेश्चन नंबर थ्री पिक कर लेना, और जरा उसमें देखना अच्छे से, क्वेश्चन नंबर थ्री में जो मेजॉरिटी रोल प्ले हुआ है वो पार्टनरशिप एक्ट का हुआ है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें नहीं बता रहा, तुम इतने समझदार हो, तुम्हें खुद से फिगर आउट करना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं साहब, बी ए और बी, ये आपका ऑब्वियस सी बात है, बी क्वेश्चन भी पार्टनरशिप एक्ट का है और ऑलमोस्ट दैट क्वेश्चन है, ऐसा कुछ अलग से नहीं है जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। सी देखिए जरा, मिस्टर रिच एस्पायर टू गेट अ सेल्फ पोर्ट्रेट मेड बाई एन आर्टिस्ट, अच्छी बात है, मेन कंटेक्स्ट पर चलते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं यह बात। 6 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जहाँ आप बोलते हैं ना सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, अरे देखो क्वेश्चन कैसे कुछ भी नहीं है, है ना, देखिए देखिए देखिए, यस 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 यस, ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, अभी ठीक है सॉरी, क्वेश्चन 8 करो जल्दी से। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, पेंटिंग बनाने की बात आई, याद हो मैंने आपसे कुछ बात करी थी जब मैं पढ़ा रहा था ये टॉपिक, अगर स्पेसिफिकेशन हो जाए तो ऐसे वर्ड से आपको आंसर पिक कर लेना है। ऑयल पेंटिंग कैनवास की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला है, डिस्कस इन लाइट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 6 नंबर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। कैन मिस्टर रिच आस्क मिस्टर के टू कम्प्लीट द आर्टिस्ट वर्क इन लियू ऑफ हिज फादर, मतलब साफ फादर नहीं रहे उसके लेवल पर करना है। और सेकेंड, कुड मिस्टर रिच आस्क मिस्टर के फॉर रिफंड ऑफ मनी पेड इन एडवांस टू हिज फादर। आइए सोल्यूशन पर देखते हैं जल्दी से, कौन सा है ये पार्ट हमारे पास, ये है हमारा थर्ड का सी, है ना देखते हैं टॉपर से इसको कैसे लिखते हैं, आओ जी आओ यस यस यस, चलने दें निकलने दें, थर्ड का सी पार्ट, थर्ड बी एंड थर्ड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
चलो भाई, ये कॉपी नहीं लिए बच्चे ने, ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही ध्यान दीजिए, प्रोविजन लिखा गया है ना, प्रोविजन लिखा गया है और बहुत ही डिसेंट तरीके से लिखने के बाद इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन करा गया, कृपया करके उस पर ध्यान दीजिए। प्रोविजन लिखा गया है शुड बी परफॉर्म बाय द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ओनली, इसमें वर्ड यूज करा गया है पार्टीज ओनली, वर्ड्स पर ध्यान दीजिए है ना। और फिर दिस हैपन इन द केस ऑफ, भाई जी इस पर लाइन पर ध्यान दें, दिस हैपन इन द केस ऑफ पर्सनल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और अंडरलाइन किया बच्चे ने, पर्सनल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सच एज सिंगिंग पेंटिंग एटसेट्रा, मस्त सा लिखा, फिगर आउट करा दिया कि देखो चाचा ये है आंसर। फिर क्या एनालिसिस पर, इन द गिवन केस इट इज पर्सनल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व द स्किल ऑफ प्रोमिसर और सर्विस, जो भी आगे लाइन आ रही है, टाइम की वेस्ट करना, जल्दी से पढ़ जाते हैं। इसके बाद इसने 1, 2 कुछ ऐसे पॉइंट्स में आंसर फ्रेम करा और 6 नंबर कमाए हैं। अगेन ध्यान देने वाली बात है 2, 3 है ना, ऐसे नंबरिंग करी गई है इनकी, +1 6 नंबर आए हैं, तो 6 out of 6 मार्क्स ले गया है बच्चा। और ये देखिए आखिर में उसने कंक्लूजन को भी टच करा, सो हैज़ टू बिटवीन द मनी पेड इन एडवांस है ना, रिफंड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करके कंक्लूजन दिया है। तो आपको ये एक आइडिया लग गया कि भाई जब हम आंसर फ्रेम कर रहे हैं हमें क्या ध्यान देना है ना। ओहो, आइए बढ़ जाते हैं आगे। हाँ जी, थर्ड का ABC हमने कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन इस बच्चे ने टच नहीं करा है, आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ये भी ठीक था यार है ना, चलो कोई दिक्कत ना है। ओके, नॉन ओनर कैन कन्वे बेटर टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर आउट ऑफ रिमेनिंग 5, एनी फोर इट्स योर चॉइस ना, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बच्चे ने स्मार्ट गेम क्या दिखाया, इसने सेल ऑफ गुड्स एक्ट को हटा दिया यहाँ से, ध्यान से देखना, पार्टनरशिप एक्ट हटा दिया यहाँ से, और टोटल 6 और 6 12 नंबर ये क्वेश्चन नहीं पिक करा है इसने। आइए जरा देखते हैं फिर इसने पिक क्या करा है। क्वेश्चन 5 का ए पार्ट बढ़िया सी केस स्टडी है यार। देखो आपको ऐसा लगता होगा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, फैक्ट ये है कि ऐसे क्वेश्चन में जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन होता है। अरे ये एक तरह का अनसीन पैसेज है कि क्वेश्चन पढ़ो आंसर ढूंढ निकालो, समझ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ के आंसर फिगर आउट कर लेना है। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में बच्चे ने क्या करा है। एक्सप्लेन द ड्यूटी, क्वेश्चन बहुत बड़ा था बट मेन पार्ट पे जाओ, एक्सप्लेन ये वर्ड देखो, लेट द बायर, क्या बोलते हैं इसको, लेट द बायर बी वेयर। और सुनो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर अटेम्प्ट में रहा, जैसे लेट द बायर बी वेयर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें अनपेड सेलर, कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कंसिडरेशन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनके बगैर अटेम्प्ट होता ही नहीं है। अब तुम्हारी प्रिपरेशन उस टॉपिक पे कितनी है वो तुम्हें देखना है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट डू मीन बाय कंपनीज विद चैरिटेबल पर्पस, ये लिख के आना, या फिर सेक्शन 8 कंपनी लिखना, बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। और होता होता कुछ नहीं है क्या सर, यहाँ पे हमको बात करनी है NPO के बारे में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसी को एक्सप्लेन करना है। बट क्वेश्चन ये एक पार्ट था, अगला पार्ट देखिए, मेंशन द कंडीशन ऑफ द इश्यू एंड रिवोकेशन ऑफ द लाइसेंस ऑफ सच कंपनी बाय द गवर्नमेंट। अगर आप YouTube पे सर्च करने की कोशिश करें कंपनीज एक्ट 2013 रिवीजन CTC क्लासेस, होपफुली आपको ये वीडियो मिल जाएगा है ना, बट इसका आंसर एक बार हम जरूर देखेंगे। 5 का ही अगेन प्रोविजन लिखा है, लिखने का तरीका देख लीजिए है ना, ब्रेकेट लगा रखा है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट की एक्सपेक्ट है वहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है सो देट कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और एग्जामिनर नंबर भी बहुत तरीके से दिए हैं, 2 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसा करके है ना। और 5 का भी ये देखिए लिखने का तरीका, चाहता तो ये भी हेडिंग बनाता ना एज चैरिटेबल पर्पज कंपनी, नहीं किया इसने, क्या किया, एज पर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज फॉर्म अंडर द एक्ट, अंडर दिस एक्ट फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग चैरिटेबल पर्पज, लिखा डिसेंट तरीके से। और मार्क्स से देखो जरा 2 नंबर क्यों, अरे एग्जाम्पल वगैरह भी दे दिए, कॉमर्स आर्ट सोशल वेलफेयर समथिंग करके 2 नंबर। आगे बढ़ जाते हैं, बाकी बता भी दिया प्रॉफिट कहाँ पर यूज होता है कैसे होता है। दस कंपनीज आर फॉर्म बाय द स्पेशल परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सुनो सीधे नहीं कूद गया कि देखो चाचा चैरिटेबल पर्पज कंपनी ये होती है, इसको हम कब लाइसेंस देते हैं कब रिवोक्ड करते हैं। क्वेश्चन में 2 पार्ट था, बहुत ध्यान सुनना, क्वेश्चन में 2 पार्ट था, पहला सेक्शन 8 कंपनी या चैरिटेबल पर्पज कंपनी होती क्या है, उसने वो एक्सप्लेन किया, मैं आपको बताना चाहूंगा रुको जरा। क्वेश्चन में 1 पार्ट ये था जिसको बच्चे ने एक्सप्लेन किया है, क्लियर है, ठहर जाओ भाई। ओके, तो पहला पार्ट क्वेश्चन में ये हमारे पास अवेलेबल था जिसको बच्चे ने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कहाँ जा रहे हो,
पहला पार्ट ये है जिसको बच्चे ने एक्सप्लेन किया और इतने की रिक्वायरमेंट थी, दो नंबर मिला। ओके, क्वेश्चन में ये जो पार्ट बच्चे ने लिखा है ये क्वेश्चन की नीड नहीं थी। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन की नीड नहीं थी, समझ में आ रही बात? क्वेश्चन की नीड ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन को जरूरत ही नहीं थी इस चीज़ की, उसके बावजूद बच्चे ने इसको लिखा है। क्यों? ये होता है आंसर की फ्रेमिंग का प्रॉपर तरीका। बच्चे ने लिख दिया कि सर जो कंपनीज एक्ट है वहाँ पे जो कंपनीज फॉर्म हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जब उसको लाइसेंस देती है तो फॉर्म होती है। उसके बाद बच्चा इस पॉइंट पर आया, दो नंबर कमाने के लिए, और है ना, इस पॉइंट पर आया। और आखिर में यहाँ देखना, जरा इस पॉइंट को देखना जहाँ पर आपको लगा इसको दो नंबर और कैसे मिले, और छः नंबर ऐसे धड़ल्ले से लेके चला आया, है ना। लाइव चैट ऑन करते हैं, दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, पहले एक्सप्लेन करना था, सेकंड नंबर पे था क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, लाइसेंस इशू कब करती है, रिवोक्ड कब करती है। बट उस पर कूदने से पहले उस बच्चे ने बताया कि जो चैरिटेबल पर्पस कंपनी है या फिर सेक्शन 8 कंपनी है ये फॉर्म्ड ही इस पर्पस से होती है और इसका लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। बेस तो क्रिएट कर दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्लियर है सर? एक बच्चन का सर जबरदस्ती का मास्क काट दिया। अरे ना नालायक, मार्क्स कटे नहीं है, मार्क्स तो मिल रखे धड़ल्ले से। आओ दिखाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं आपको मार्क्स दिखाना चाह रहा हूँ। 60 में 55 प्लस, केवल 56 मार्क्स एग्जैक्ट हैं। 55 प्लस क्या होता है, 56 मार्क्स एग्जैक्टली। आ जाओ भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्लियर सभी को? ओपी क्लियर है सर कंसेप्ट? बढ़िया, स्मार्ट एनफ है बच्चा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, लाइव चैट ऑफ करते हैं। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सभी लोग रिगार्डिंग द सेशन, आपने सेशन से क्या लर्निंग ली वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। देखो नीट एंड क्लीन था, मैंने पूरी कॉपी आपको दिखाई। सबसे पहली बात तो आपको ये बताना होगा कि सर इस पूरे सेशन से जो आपने एक टॉपर से कॉपी देखी आपने क्या सीखा। जब सबके कॉमेंट मुझे कॉमेंट सेक्शन में दिख जाएंगे तो मेरी तरफ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दोनों ही चीज़ें आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएंगी। अब जिनको मान लो टेलीग्राम नहीं पता है, बच्चे सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, CTC क्लासेस, 36,000 से ज़्यादा बच्चे जिसमें हैं वहाँ ज्वाइन करना है, ठीक है। आइए मार्क्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। ओके, ये है बिजनेस लॉ की बात, 1, 2, 6, ये है बिजनेस लॉ का, ठीक है। अब मार्क्स देख लीजिए, पहले हर क्वेश्चन 12 नंबर का था, बता चुका हूँ। पहले क्वेश्चन में 12 मार्क्स, दूसरे में 11, तीसरे में 11, और ये जो मैं आपको बताता हूँ ना कि टिक टू बी टिक्ड बाय द कैंडिडेट अगेंस्ट द क्वेश्चन आंसर, बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 करा है तो उसको टिक करा है, 2, 3, 4th ध्यान दे लो कुछ नहीं बताया गया, 5 टिक करा है, 6 टिक किया, मतलब इसने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6 अटेम्प्ट करा है। और उसके आगे मार्क्स दिए गए ABC, ये एग्जामिनर को देना, खुद मत फिल करना, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, ठीक है जी। मार्क्स देखिए 12, 11, 11, 10 and 12। यहाँ पे एक बड़ी अजीब चीज़ हुई थी, 12 माइनस 1 करके 11 कर दिया गया है, ये भी एग्जामिनर के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगर आप मार्क्स एवरेज चेक करेंगे तो अराउंड 56 मार्क्स आउट ऑफ 60, सर तकरीबन 93% मार्क्स हैं। और बिजनेस लॉ में इतना शानदार नंबर लेना अपने आप में कमाल की बात है, ठीक है जी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप आपने सेशन से चीज़ें सीखी हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आपके पास एक काम है और वो सिर्फ इतना कि आप मुझे बता दें। क्या बताएंगे सर? आप सारे सारे बच्चों ने कमेंट करना है कि सर आपको इस सेशन से क्या सीखने को मिला एक्चुअल में, और जो आप लर्निंग लिखेंगे, बिकॉज लर्निंग फ्रॉम टॉपर, ध्यान से सुनना, कॉपी देखना किसी टॉपर की, पेपर देख लेना, ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, उससे लर्निंग लेना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये मई 2019 का जो पेपर था उसकी कॉपी आप लोग को दिखाई गई है अभी के अभी, ठीक है जी। अब वेट करूंगा आप लोग के कमेंट का कि आप हर एक बच्चा उसने क्या लर्निंग ली, कि अपना जब बिजनेस लॉ का पेपर फ्रेम करेगा तो किन चीज़ों का ध्यान रखेगा। कमेंट में भी लिखना है और कॉपी में भी लिखना है, सो आपको याद रहेगा, ठीक है। और जब आप सबके कमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग सेशन तो मैं आप लोगों को PDF डेफिनेट टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक सो मच फॉर कमिंग लाइव सेशन, वॉचिंग दिस क्लास। टिल देन मिलता हूँ बहुत ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, शानदार रहिए, सुनो पढ़ते रहो, कंसेप्ट बिल्डअप करते रहो, और हाँ अकाउंट का जो पेपर हमने लिया है आपका कल जो हो चुका है उसके बारे में भी जल्दी बात करूँगा। चलो जाओ, अभी के लिए इतना ही है ना। ओके, गुड जॉब।